इरशादे बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है, इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वह जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज, ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कोरोना जैसी वबाई मर्जी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या पीछे समझ आया तो पड़ा था? पावर सेट के क्वेश्चन करने थे, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था पावर सेट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, आज हम इसको कवर करेंगे। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन से पहले हम पहले सीखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या चीज़ है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या चीज़ है। यहाँ पे आइए, मैंने यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन लिख ली है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स हैं, देन सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यूनियन का मतलब तो आपको पता है ना, इकट्ठा हो जाना, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक नए सेट के अंदर लिखते हैं और दोनों के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? यूनियन ऑफ बोथ सेट्स। तो आइए आप एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 2 3 4 एंड 5। हम दोनों का यूनियन लेना चाह रहे हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे करेंगे, हम लिखेंगे सेट ए, उसके बाद ये यूनियन का सेट बी। एक कॉमन मिस्टेक जो आप जब करते हैं, आप जब यूनियन लिखते हैं ए यूनियन बी, ये इसका सिंबल है। आप लोग क्या करते हैं, आप लिखते हैं ए, ये जो आप इसकी टांग पर निकालते हैं, ये सिंबल बिल्कुल स्ट्रेट है और आपने इसी तरह लिखा है, आपने ए लिखा यूनियन बी लिखा, ये ऑपरेशन का साइन है यूनियन इज इक्वल टू, पहले सेट ए लिखे यूनियन का साइन डाले और सेट बी लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद है, और वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में नहीं मौजूद वो एक एक दफा आएंगे, लेकिन जो दोनों में मौजूद हैं उनको हम दो दफा नहीं एक दफा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 1 2 3, आपने लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे 2 3 2 3 पहले से मौजूद है इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 एंड 5 लिखेंगे। क्या आप जानते हैं 2 और 3 दोबारा क्यों नहीं लिखनी? जी जी बिल्कुल ठीक समझे, क्योंकि अगर आप 2 और 3 को दोबारा लिख देंगे तो यहाँ 2 और 3 की रेपिटेशन हो जाएगी, जो कि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा सुन लीजिए, सेट ए एंड बी दो सेट से, जब दोनों का यूनियन लेना है तो आप इसको डिनोट ऐसे करेंगे ए यूनियन बी। तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक तीसरे सेट के अंदर इकट्ठा करके लिखेंगे, जो दो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है उनको सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे, उनको डबल टाइम नहीं लिखना, वरना सेट की डेफिनेशन डेविएट हो जाएगी और वो सेट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। यानी हमारे पास अगर हम इन्हीं दो सेट्स ए एंड बी का इंटरसेक्शन लें तो जो दोनों में मौजूद एलिमेंट्स होंगे कॉमन, जो ए में भी हो और बी में भी हो, वही लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे भी आप अपनी कॉमन मिस्टेक देख लीजिए, बहुत से बच्चे जब लिखते हैं वो लिखते हैं, तो ये जो आप उस पर थोड़ा सा कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम एक सेट ए लेते हैं 1 2 3 और एक सेट बी लेते हैं 2 3 4 6 5 और 6। अब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखे, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, पहले सेट ए लिखा
वन टू थ्री इंटरसेक्शन का सिर्फ बी लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, दोनों सेट्स में चेक कीजिए ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी मौजूद हो, सेट बी में भी मौजूद हो। तो देखिए टू ए में भी मौजूद है, बी में, थ्री ए में भी मौजूद है, बी में भी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास टू एंड थ्री आ जाए, ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने यूनियन इंटरसेक्शन देख लिया है, तो इसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, अभी हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखा, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी आप ए को पहले लिखें यूनियन, बी को बाद में लिखें, आप बी को पहले लिखें यूनियन, ए को बाद में लिखें, दोनों सूरतों में आंसर सेम मिलेगा। वही आपने मामला सुना ना, सेब छुरी पे गिरे या छुरी सेब पे, नुकसान किसके, सेब का। आप ए को पहले लिख के यूनियन ले लें बी से, या बी को पहले लिख के उसका ए से यूनियन ले लें, दोनों सूरतों में आपके आंसर सेम आएंगे, और यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी आप ए लिखें इंटरसेक्शन बी, ए को पहले लिख लें इंटरसेक्शन का सिंबल लिखें, बी को लिखें, या बी को राइट लेफ्ट साइड पर लिखें इंटरसेक्शन ए को फिर लिखें, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम रहेगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, हम उसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। जी बच्चों, अभी हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसके आप देख सकते हैं, जिसमें हमें कहा गया है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेते हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, सेट ए लिखिए, यूनियन का सिंबल लिखिए, सेट बी लिखिए। सेट ए में 1, 2, 3, 4 हैं और सेट बी में 2, 3, 4, 5, तो जो हम यूनियन लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसे आप 1 के लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करिए। आप राइट हैंड साइड फाइंड आउट कीजिए, क्या है बी यूनियन, तो आप बी यूनियन ए लिखिए, पहले सेट बी लिखिए, यूनियन के सिंबल लिखिए, सेट ए लिखिए, आप दोनों का यूनियन लिखिए। सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं जब भी हम लिखें तो हम अल्फाबेटिक या काउंटिंग का ऑर्डर लिखे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसे आप कहते हैं 2, या आपकी राइट हैंड साइड फाइंड होगी। अब दोनों को कंपेयर करें 1 एंड 2 को, तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम आया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और यही हमें वेरीफाई करना था, सामने लिखते थे वेरीफाई। अब आइए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ भी देखो बेटा, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, आप सेट ए लिखिए, इंटरसेक्शन लिखिए, बी लिखिए, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन, 2, 3, 4 एंड 5। आप जानते हैं इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 2 एंड 3 है, इसको नंबर 1 दे दीजिए। आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, पहले से बी लिखिए, इंटरसेक्शन का साइन लगाइए और सेट ए। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 एंड 3, इसको ऑप्शन 2 का नाम दीजिए। अब 1 और 2 देखिए, दोनों का आंसर सेम है, तो आप देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और बच्चों यही हमने वेरीफाई करना था, इसलिए सामने लिख दिया वेरीफाइड। इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैं करवाती हूँ और 3 आपका होमवर्क टास्क होंगे।
अब हम इसके पार्ट टू की तरफ आते हैं। पार्ट टू में देखिए सी में हमारे पास ए डी सी डी ई है और डी में ए डी आई ओ यू। हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को वेरीफाई करना है। याद रखिएगा जब आप ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखेंगे तो आपने वही सेट्स लिखनी है जो आपके क्वेश्चन में। आप यहाँ पे ए यूनियन बी और बी यूनियन सी मत लिखिएगा, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पे सी यूनियन डी और डी यूनियन सी लिखेंगे। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सेट सी लिखें, यूनियन लिखें, आप दोनों का यूनियन ले लीजिए। यहाँ जगह ए बी सी डी ई आई ओ एन इसे बने लीजिए। आप राइट हैंड साइड लिखें, यू डी यूनियन सी, डी यूनियन सी पहले से डी लिखे, ए बी सी डी एन ई यूनियन लिखे। देखिए ये आपने लेफ्ट हैंड साइड फॉरवर्ड कर दिया, आप राइट हैंड साइड आएंगे, डी यूनियन सी पहले से डी लिखेंगे और फिर यूनियन सी से डी लिखे, ए ई आई ओ यू यूनियन सी लिखे, ए बी सी डी ई दोनों का यूनियन लीजिए। आपके पास आएगा ए बी सी डी ई आई ओ एन यू सिर्फ टू कह दीजिए। अब वन टू को कंपेयर कीजिए बेटा तो आपको पता चलेगा दोनों सूत्रों में आंसर सेम आ रहा है। सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी, आंसर सेम आया। ये हमें वेरीफाई करना था इसलिए हम यहाँ साइड कर देंगे वेरीफाइड। यहाँ ये तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई की है, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बारे वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सी इंटरसेक्शन डी, पहले सेट सी लिखेंगे, ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन ए ई आई ओ एन यू। आप देखिए दोनों में कौन से अल्फाबेट कॉमन है, कौन से एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ ए एंड बी, इसे आप वन कह लीजिए। या फिर लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लीजिए, आप हम राइट हैंड साइड लिखेंगे डी इंटरसेक्शन सी, डी इंटरसेक्शन सी में पहले आप डी लिखें, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सी लिखें, ए बी सी डी ई, आप दोनों में कॉमन लिखें, दोनों में डी ए और बी की कॉमन है, इसे टू लिखिए। अब फ्रॉम वन एंड टू C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू D इंटरसेक्शन C, यही हमने वेरीफाई। जी बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन और टू खुद करवाया है, पार्ट थ्री फोर और फाइव आप कीजिएगा। आपके कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया वेल एंड वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा और इसको कीजिएगा, लाजमन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आएगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी मसला हुआ मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो आपका मसला दूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।